हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं पुदीना राइस या मिंट राइस। आज मैं इन्हें बनाऊंगी बासमती राइस से, लेकिन आप कोई भी राइस यूज़ कर सकते हैं। यह बहुत ही आसान और क्विक रेसिपी है, सो लेट्स बिगिन। मिंट राइस या पुदीना राइस बहुत ही फ्लेवरफुल डिश है, बहुत ही टेस्टी और रिफ्रेशिंग डिश है। ये बनाना भी बहुत ही आसान है, बहुत ही क्विक रेसिपी है और वन पॉट मील है। आसानी से अवेलेबल इंग्रेडिएंट से भी तैयार की जा सकती है। आज मिंट राइस या पुदीना राइस बनाने के लिए मैंने बॉइल्ड राइस लिया है एक बोल, और मैंने कुछ पुदीना के पत्ते लिए हैं हैंडफुल, एक मुट्ठी भर, अंदाजन 20-25 पत्ते। और इतने ही अमाउंट में हम धनिया लेंगे, 2 कली लहसुन की लेंगे, थोड़ा सा अदरक लेंगे और 1 हरी मिर्ची। ये काफ़ी स्पाइसी, चटपटी, तीखी रेसिपी है। अब इन सब को मिला के हम मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा धनिया, पुदीना, मिर्ची, लहसुन और अदरक का पेस्ट हमने बना लिया है। इसमें मैंने 2 चम्मच पानी डाला है और चुटकी भर नमक डाला है ताकि ये अच्छे से एक स्मूथ पेस्ट बन जाए। मैंने पैन में 1/2 चम्मच तेल गरम करने रख दिया है। आप चाहें तो कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं या फिर घी भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमारा तेल गरम हो चुका है, मैं 1 चम्मच क्यूमिन सीड्स डाल रही हूँ। क्यूमिन सीड्स को क्रैकल होने दें। और कुछ मैंने गरम मसाले डाल रही हूँ, सिनेमन स्टिक, कार्डमम, क्लव, बड़ी इलायची, छोटी इलायची दोनों ही मैंने ली है। अब मैंने एक छोटा प्याज काट कर डाल दिया है, इसे हम थोड़ा सौते करेंगे। अब हम इसमें कुछ कैश्यू नट्स डाल दे रहे हैं, सौते करेंगे। 1/4 चम्मच हल्दी डाल रही हूँ, 1/4 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला, 1/4 चम्मच जीरा पाउडर। और अब हम टमाटर डाल देंगे, 1 मीडियम साइज चॉप किया हुआ। अब हम इसमें 1/4 चम्मच सूखा धनिया डाल दे रहे हैं। मिंट राइस या पुदीना राइस बहुत ही अच्छी डिश है, बच्चों को हम टिफिन में भी इसे भेज सकते हैं। अब इसमें मैं 1/2 उबला हुआ आलू चॉप किया हुआ डाल रही हूँ। थोड़ा इसको सौते करेंगे, आलू हमें मैश नहीं करना है। प्याज टमाटर हमारे काफ़ी अच्छे गल चुके हैं। अब हम इसमें हमारा तैयार किया हुआ पेस्ट डाल रहे हैं, पुदीना। कितनी अच्छी महक आ रही है पुदीने की। हमारा मिक्सर काफ़ी अच्छे से कुक हो चुका है। आप चाहें तो इसको एक साथ ही चावल के साथ उबाल कर भी बना सकते हैं। मैंने अभी उबले हुए चावल लिए हैं, इनको मैंने थोड़ा सा नमक डालकर उबाला है। आप चाहें तो बचे हुए चावल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसमें चावल डाल दे रहे हैं, मिक्स कर लीजिए। चावल को आप हल्के हाथ से स्टर कीजिए, नहीं तो चावल टूट जाएंगे। ये हमने बासमती चावल लिए हैं, हल्के हाथ से इनको कम गैस में अभी पकने दीजिए। अब हम इसमें 1/2 चम्मच नमक डालेंगे, 1/2 छोटी चम्मच, क्योंकि हमने उबालते हुए भी चावल में नमक डाला है। मिक्स कर देते हैं हल्के हाथ से। अब हमने गैस बंद कर दिया है और इसमें 1 छोटी चम्मच नींबू का रस डाल रहे हैं। हमने टमाटर पहले डाला हुआ है,
इसलिए खटाई का हमें ध्यान रख के डालना है नींबू का रस। अब ये एकदम तैयार है, एकदम खिले खिले मिंट राइस पुदीना राइस तैयार है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है पुदीना की, तो हमारे पुदीना राइस या मिंट राइस बनकर तैयार है। बहुत ही अच्छे और टेम्पटिंग लग रहे हैं। आप इसे अपनी मनपसंद करी, दही या सलाद के साथ या किसी भी अचार चटनी के साथ खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। साउथ इंडिया में तो ये बहुत ज़्यादा फेमस हैं, वहाँ पर तो ये बहुत ही चाव से खाया जाता है। आप इसे जिस दिन कभी मन नहीं कर रहा हो, जल्दी जल्दी खाना बनाना हो, टेस्टी भी चाहिए, तो मिंट राइस बना सकते हैं। और ये हेल्दी भी हैं और बच्चों को भी बहुत पसंद आएंगे। आई होप यू लाइक दिस रेसिपी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल इंडियन किचन कुक विद द बेस्ट।